हाय, दिस वॉज द डे जब मैंने अपनी 6 मंथ की बेबी को लेकर फर्स्ट टाइम प्लेन से ट्रैवल किया। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। इट वॉज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन कि इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर मेरे को जाना पड़ा, वो भी अकेले। थोड़ी दिक्कतें आई और कुछ तो बस ऐसे काम हो गए। वट एवर आई एम शेयरिंग टुडे विथ यू, दैट इज़ 100% बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम इतने छोटे बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो प्लेन से हो या फिर ट्रेन से हो या फिर कहीं भी किसी भी चीज़ से ट्रैवल कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, तो हमें क्या क्या चीज़ें के ध्यान रखनी है, बस उसके साथ उसके बारे में ही थोड़ा कुछ आपसे शेयर करूँगी। बस ये अभी मॉर्निंग का टाइम है, इसे मैंने जगाया है, जगाया क्या, ये खुद ही जग गई है। और अब बस हम रेडी होकर के यहाँ दादी के पास से अब डैडी के पास जाएंगे। नंबर 1 है, बेबी के साथ आप कहीं भी जाए तो उसका डायपर बैग या कोई भी नॉर्मल बैग लेके जाना तो मस्ट है। हाय एवरीवन, टुडे इज माय फर्स्ट फ्लाइट विद हर, आई एम सो एक्साइटेड, सो मच एंजाइटी। इसको लेकर के काफ़ी दिक्कत हो रही थी, बट हर लोगों ने हेल्प, हर लोगों को थैंक यू, भगवान जी को थैंक यू। और इसमें आप क्या क्या रखोगे ये भी अच्छे से सोचना बैठ के, क्योंकि वो भी बिल्कुल ज़रूरी है। तो नंबर 2 हमारा यही है, आप उसमें बेबी के यूज़ के इम्पॉर्टेंट आइटम्स तो रखेंगे ही, जैसे उसका डायपर, फीडिंग बॉटल्स, हॉट वाटर बॉटल, नॉर्मल वाटर बॉटल्स, इसमें भी लिस्ट काफ़ी लंबी होती है। हाय गाइस, वी आर एट दी पटना एयरपोर्ट, हाँ मिस्को के साथ, और मिस्को का फर्स्ट फ्लाइट है, मिस्को एक्साइटेड है, मिस्को टच अभी तक तो कुछ तंग नहीं किया, आगे देखते। बट आप इतना ध्यान रखना कि बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत वाली चीज़ें ही रखना, क्योंकि अल्टीमेटली कैरी आपको ही करना है, वो भी बेबी के साथ। इन केस डैडी फ़िलहाल साथ में ट्रैवल ना कर रहे हो, तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी मेरा एक्सपीरियंस यही चल रहा है, क्योंकि अभी इसके डैडी नहीं है। तो एक बार मैं जल्दी से कुछ इम्पॉर्टेंट सी बेसिक सी चीज़ें आपको बता देती हूँ, अगेन ऑन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, यू कैन प्रायोरिटाइज देम। तो नंबर 1 है फॉर्मूला मिल्क पाउडर। अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड में हो तब भी एक स्मॉल बॉक्स ऑफ फॉर्मूला मिल्क पाउडर जरूर रखें, एक गर्म पानी की बॉटल, 1 फीडिंग बॉटल, 2 से 3 डायपर्स, बेबी वाइप्स और थोड़े से कॉटन भी। कॉटन तो प्लेन में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईयर्स में थोड़े प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम होते हैं, तो वो बच्चे को ना हो इसलिए कॉटन भी ज़रूर रखें। 1 स्मॉल ड्राई सीट, 1 बिब्स, 2 एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ ड्रेसेस ज़रूर से ज़रूर रखें, बेबी हैंकी, सॉक्स एंड एक वुलन ड्रेस भी लैंड कर चुके हैं दिल्ली में, अब हमें जम्मू की फ्लाइट पकड़नी है। है ना मेरा कंगारू, है ना मेरा बच्चा, गुलू गुलू गुलू, मेरा बच्चा अब तक बहुत साथ दिया है, लेट्स सी आगे, जय माता दी। बेबी कैरियर भी मेरे को काफ़ी हद तक सही लगा, उसमें ही मैंने पूरा बेबी को मैंने कैरी किया है। बस उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया कि शोल्डर में थोड़ा वेट की वजह से काफ़ी नहीं, मतलब थोड़ा सा तो पेन हो ही रहा था। हाय, मुझको थक गए, बेचारी का आवाज़ कैसे फंस गया है, ओए कैसे बोल रही है। चलो अब इतना तो आप रखेंगे ही, बट इसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि आप बेबी के लिए अपने पास एक होम्योपैथ मेडिसिन आती है, आर्निका है, वो ज़रूर रखें, जो कि उन्हें किसी भी तरीके से चोट जब लगे तो उसे आप दे सके। आई विश कभी इसको ज़रूरत ना पड़े आपको, बट यही आपके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो आप रखें, वो बेबी के लिए। ऑल्दो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, पर छोटे छोटे से सामान है तो एक डायपर बैग में वो परफेक्टली आ जाते हैं। मुझको इधर बताओ कैसा लगा तुमको, कैसा लगा, अभी तो एक और बाकी है, अभी तो एक और बाकी है ना मुझको। और कुछ एक्स्ट्रा गार्बेज बैग भी ज़रूर रखें, वो तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डायपर अगर कभी फेंकना हो, कभी ना मिले जगह, तो डायपर आप गार्बेज बैग में भी रख सकते हो। एंड दी नंबर 5 इज़ कि आप एक स्टोल या दुपट्टा साथ में लेके जरूर चलें। यस, दिस इज़ आल्सो वेरी ज़रूरी, आप उसको कभी भी यूज़ कर सकती हो, चाहे वो ब्रेस्ट फीड के टाइम हो
या थोड़ी ठंडी हो रही हो, या फिर जस्ट वो सो रही हो आपकी बेबी और आपसे चिपक के और थोड़ा कोजी कोजी होना हो, तब भी इट्स टोटली अप टू यू एंड योर बेबी। Enjoying our second flight. That is Delhi से जम्मू, है ना? है ना मिशको? पहली फ्लाइट में ये पूरा सो के आई है और सेकंड फ्लाइट में ये ऐसे मस्ती कर रही है। डैडी, ए मिचकी, ए मेरे मिचकी। हेलो मिचको, जाओ डैडी पास। उस पर रखो। आओ आओ। रुको रुको। लटकाए रखना है। नींद में थी। आए राम, कैसे है? दिखा दो। देखो पहचान ही डैडी को। एंड देन इनका लव शव शुरू हो गया। दोनों बाप बेटी का प्यार व्यार चल रहा था। सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गाइज, प्लीज़ कंसिडर देम, डोंट नॉट फॉरगेट। And please do not forget to subscribe my channel too and press the bell icon. We'll meet you next time with a new video. Till then, bye bye and take care. Thanks for watching. Bye.